चर्चित कहावत है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। और ये कहावत कन्नौज की तिरवा कोतवाली में सच हो गई साहब। 5 घंटे की माथापच्ची के बाद पुलिस हार गई, तो भैंस के ऊपर ही खुद अपना फैसला छोड़ दिया। पुलिस की अनुमति मिली तो भैंस ने अपना केस खुद ही सुलटा लिया। जी हाँ, सुनने में जरूर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सच है। दिलचस्प मामला कुछ इस तरह है। मिर्गावा के अली नगर जलंधर के रहने वाले वीरेन दिवाकर के मुताबिक उसकी भैंस चोरी हो गई थी। तलाश करते हुए वो कस्बे के अन्नपूर्णा मवेशी बाजार पहुंच गया। यहाँ एक व्यापारी के पास अपनी भैंस देखी तो उससे पूछताछ करने लगे। इस पर तालग्राम के रसूलाबाद निवासी व्यापारी बताने लगे कि उसने ये भैंस तालग्राम के मध्यव नगर निवासी धर्मेंद्र से मात्र 19,000 में खरीदी है। इस पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और मामला कोतवाली तिरवा पहुंच गया। उसके बाद जो हुआ वो देखकर भाई साहब सभी हैरान हो गए। भैंस ने अपने मालिक को खुद ही ढूंढ लिया और उसके पास पहुंच गए। मामला एक भैंस का आया था, दो पक्ष कह रहे थे मेरी भैंस है, वो कह रहे थे मेरी भैंस। फिर कैसे निर्णय हुआ? मैंने फैसला भैंस के ऊपर ही डाल दिया कि जिस पक्ष की भैंस होगी उसके साथ चली जाएगी। तो मामला निपट गया? हाँ, निपट गया। जिसके साथ जा